नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। हमने फर्स्ट पार्ट में गुड्स गार्ड के जो क्वेश्चन आए हुए थे उनके सॉल्व किए थे 1 to 151 तक। अब हम जो सॉल्व करेंगे वो 52 से आगे 100 तक करेंगे। इसमें 110 क्वेश्चन आए थे जो आपके स्क्रीन पे हैं, इंस्ट्रक्शन आपके लिए, तो आप इसे देख लें फिर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, सम पार फाटकों को अनन्य श्रेणी, सम पार फाटकों के अनन्य श्रेणी यानी कि डिफरेंट क्लासेस ऑफ लेवल क्रॉसिंग्स। ऑप्शन ए ए बी सी यानी क ख ग, बी अ ब क यानी एक्स वाई जेड, सी विशेष एवं समान स्पेशल एंड ऑर्डिनरी, डी विशेष क ख ग और घ स्पेशल ए बी सी डी। तो जो यहाँ पे आंसर होगा वो ये होगा विशेष क ख ग और घ। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में परमिसिव सिग्नल कौन सा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग परमिसिव सिग्नल, ए होम यानी कि, बी जीएसएस, सी स्टार्टर एंड डी डिस्टेंट, यानी कि इसका जो सही आंसर है ये डी होगा। क्वेश्चन नंबर 54, यदि इनर डिस्टेंस सिग्नल उपलब्ध करवाया गया है और डिस्टेंस सिग्नल की साधारण पहलू है, तो अंग्रेजी में पढ़ते हैं, इफ इनर डिस्टेंस सिग्नल इज प्रोवाइडेड द नॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ डिस्टेंस सिग्नल इज अटेंशन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है अटेंशन जो है वो सी पे है, तो डायरेक्ट ही इसका सही आंसर आता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 55 पे बढ़ते हैं, यदि नए सिग्नल लगाए या स्थानांतरित किए गए हैं तो सतर्कता आदेश कितने दिनों के लिए जारी किया जाएगा। ये क्वेश्चन यही कहता है आदेश डैश दिनों के लिए जारी किए जाने चाहिए, तो जो सही आंसर होता है वो 10 दिनों के लिए जारी किए जाते हैं। ठीक है, इफ न्यू सिग्नल आर क्रिएटेड और रिलोकेटेड द कॉशन ऑर्डर शुड बी इशूड फॉर 10 days। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, एयर ब्रेक प्रणाली में किस प्रकार की कपलिंग का उपयोग किया जाता है, वाट टाइप ऑफ कपलिंग यूज इन एयर ब्रेक सिस्टम। तो एयर ब्रेक सिस्टम में जो है ये सीबीसी टाइप के कपलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। सीबीसी होता है सेंटर बफर कपलर। तो सीधा सा इसका ये है आंसर आपका सीबीसी। क्वेश्चन नंबर 57, डैमरेज का संबंध है। तो डैमरेज एंड रेफरेंस जो है ये जो रिलेट करता है वो गुड से होता है। डैमरेज एक तरह का लेवी है जो हमारे यहाँ स्टॉक में रखे जाते हैं जो सामान आते हैं गुड्स से, तो एक एक्सपायरी टाइम होता है, फ्री टाइम होता है कि भाई इतने घंटे के लिए हम आपको फ्री देंगे, उसको आप उठवा लीजिए। अगर नहीं लेते हैं तो फिर उस पर जो डिटेंशन होता है उसका पैसे लिया जाता है। ठीक है, तो ये सही संबंध माल से है। क्वेश्चन नंबर 58, श्रेणी दुर्घटनाओं में स्पेड मामलों को वर्गीकृत किया जाता है, स्पेड केसेस आर क्लासिफाइड एज एक्सीडेंट ऑफ एच। ठीक है, स्पेड क्या होता है, स्पेड सिग्नल पास्ट एट डेंजर होता है। कई बार ड्राइवर्स
गाड़ी को सिग्नल के पार ले जाते हैं, 500 मीटर ले जाते हैं, 600 मीटर ले जाते हैं या पार हो जाते हैं, तो उनके लिए उनको एक तरह का दुर्घटना माना गया है और उनको पनिश किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है। कई बार ऐसा होता है। अभी हाल ही में किसी ने राजधानी को 500 मीटर तक लेके चले गए थे, तो तुरंत ही ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि तो इसे एक्सीडेंट माना जाता है और एच श्रेणी का माना जाता है। तो जो सही है वो यहाँ पे ये है। क्वेश्चन नंबर 59। दुर्घटना के दौरान 18 से 6 बजे के दौरान ब्रेक डाउन के लिए टर्निंग आउट समय दिया जाता है। ड्यूरिंग एक्सीडेंट्स टारगेट टाइम फॉर टर्निंग आउट द ब्रेक डाउन स्पेशल ड्यूरिंग 18 to 6 आवर इज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो मेरे ख्याल से 45 होना चाहिए, 45 मिनट्स, ये सही आंसर होगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि railwayexam.in पर इस पेपर को अपलोड कर दिया गया है। आप चाहे तो वहाँ जाके पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें खुद ही, और उसके बाद इस वीडियो के आंसर के साथ आप अपना मिलान करें। ये हो सकता है कि आपने जो पढ़ा हो और मेरे जो आंसर हैं उसमें कुछ डिफरेंस हो, तो आप उस टॉपिक को पूरा देख लें। अगर आपके आंसर सही है तो ठीक है, और अगर मेरे आंसर हैं तो उसे एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक क्लिक करके मुझे बता सकते हैं कि भाई ये अच्छा लग रहा है, तो क्या इस टॉपिक पे हम और अधिक वीडियो बनाएंगे जो आपके काम आ सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। दिखता तथा बुझता सिग्नल पहलू है। देखो दिखता और बुझता यानी कि फ्लिकरिंग करता है ये, तो चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं। वो अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस ऑफ सेम आस्पेक्ट ऑफ द सिग्नल इज फ्लिकरिंग। तो ये फ्लिकरिंग यानी कि जलता बुझता ही के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है। आपने इसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ा होगा, तो इसका सही आंसर तो यही मुझे लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61। गाड़ी विभाजन में जाने वाले प्रथम प्रभाग गार्ड। गाड़ी विभाजन कार्य में जाने वाले प्रथम प्रभाग गार्ड ड्यूरिंग ट्रेन डिवाइडेड वर्किंग व्हाइल डिस्पैचिंग फर्स्ट पोर्शन गार्ड सेल। तो ए है फिक्स द LVD इंडिकेटर, तो ये नहीं होगा। बी है डू नॉट फिक्स द LVD इंडिकेटर, ठीक है, ये है इसका सही आंसर। तो बी इसका सही आंसर है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52। साइडिंग में OHE पावर सप्लाई पावर आपूर्ति स्विच ऑफ को समझा जाता है। स्विच ऑफ OHE पावर सप्लाई इज साइडिंग इज ट्रीटेड एज। तो जो ऑप्शन है वो है प्रोग्राम्ड पावर ब्लॉक, बी लोकल पावर ब्लॉक, सी इमरजेंसी पावर ब्लॉक एंड बी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर बी होगा, लोकल पावर ब्लॉक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63। यात्री परिवहन गाड़ी में इंजन कोच को जोड़ने पूर्व में दूरी पर चालन को रोक दिया जाता है। बिफोर अटैचिंग इंजन कोचेस ऑफ ए पैसेंजर कैरिंग ट्रेन द मूवमेंट शैल बी स्टॉप वंस एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर्स। ये एक लाइन ही है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर निकल के आएगा वो ए आएगा, 20 मीटर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64। स्टेशन मास्टर उपलब्ध पिछला ब्लॉक SM उपलब्ध पिछला ब्लॉक सेक्शन क्लियर को, यानी कि SM में क्लियर द रियर ब्लॉक सेक्शन प्रोवाइडेड। तो इसका सही आंसर होना चाहिए वो, चलिए ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। पहला है क्लियर इंडिकेशन ऑन BPAC, ठीक है। बी है गार्ड हैज एक्सचेंज द सिग्नल एंड सी है बोथ ए एंड बी। तो
हो सकता है कि इसका आंसर सी हो, पर मेरे हिसाब से इसका सही आंसर क्लियर इंडिकेशन ऑन बीपीएससी है। एक्चुअली बीपीएससी जो होता है या वन टाइप ऑफ है ट्रेन सेफ्टी टेक्नोलॉजी। बीपीएससी क्या होता है? ब्लॉक प्रूविंग एक्सेल काउंटर, ठीक है। तो जो सही आंसर जो निकल के आता है मेरे हिसाब से वो ये आता है, ठीक है। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है, अगर आपको पता है तो। और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आ रहा है तो आप डिसलाइक करके बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर ये गलत है, जिसको वजह से मुझे डिसलाइक है। अगर आपको 1% भी आपकी नॉलेज में इसमें वृद्धि होती है या वैल्यू ऐड होता है कि हाँ आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है इस क्वेश्चन की वजह से, तो आप ज़रूर ही लाइक कीजिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि हाँ मैं सही दिशा में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 65, कोहरा सिग्नलिंग के दौरान आने वाले गाड़ी को कोहरा सिग्नल मैन दिखाता है। ड्यूरिंग फॉग सिग्नलिंग द फॉग सिग्नल मैन सेल शो टू इनकमिंग ट्रेन। तो ऑप्शन जो है वो देख लेते हैं, नो लाइट्स, ग्रीन लाइट्स एंड सी इज द व्हाइट लाइट एंड डी इज नॉन ऑफ द अबव। तो जो सही आंसर होगा यहाँ पे वो ये होगा, ए नो लाइट्स, बिना बत्ती के। क्वेश्चन नंबर 66, मानक दो आर इंटरलॉक में स्पीड ओवर फेसिंग पॉइंट डैश तक होता है। स्पीड ओवर फेसिंग पॉइंट इज स्टडर्ड टू आर इंटरलॉक में बी अप टू। तो इसका जो सही आंसर होगा ना वो 110 किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, डैश दूरी पर बैनर फ्लैश लगाया जाता है। बैनर फ्लैग इज फिक्स्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ। तो डिस्टेंस ऑफ है तो चलिए देखते हैं, 30 मीटर्स फ्रॉम द वर्क स्पॉट, 300 मीटर्स फ्रॉम द स्पॉट वर्क स्पॉट एंड 600 मीटर्स फ्रॉम वर्क स्पॉट एंड नन ऑफ द अबव। तो जो सही आंसर होगा इसका वो 600 मीटर फ्रॉम द वर्क स्पॉट होगा, ठीक है। आरसीटी क्या है? आरसीटी एक्चुअली जब कोई विवाद होती है एडमिनिस्ट्रेशन और कर्मचारियों के बीच में, उनके रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, उनके प्रमोशन से रिलेटेड, तो उसके लिए बनाया गया है। तो नहीं सॉरी, ये नहीं है, ये आरसीटी है, रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल है, रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल है। यहाँ पे मतलब क्या कह सकते हैं, यहाँ पे जो आंसर है वो है ए। मैं अभी जो बातें कर रहा था वो कैट के बारे में बात कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 69, दक्षिण पूर्व मध्य दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय भवन को रूप में जाना जाता है। द बिल्डिंग ऑफ SWR हेडक्वार्टर इज नोन एज ए रेल सौदा, यानी कि बी, ठीक है, इसका आंसर बी होगा। फॉर्म ETR3 इज, तो फॉर्म ETR3 फॉर्म है क्या है? परमिट टू वर्क, इमरजेंसी पावर ब्लॉक, ऑथोरिटी टू वर्क एंड लोकल पावर ब्लॉक। तो ये जो है ये है परमिट टू वर्क है, ETR3 इज ए परमिट टू वर्क। क्वेश्चन नंबर 71, जब एक मालगाड़ी बिना ब्रेक यान के या बिना गार्ड के चलती है तो गति क्या होती है? व्हेन ए गुड ट्रेन इज रनिंग विदाउट ब्रेक यान और विदाउट गार्ड द स्पीड शैल बी, ऑप्शन है 15 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर एंड नो रिस्ट्रिक्शन। तो जो सही आंसर है वो होगा नो रिस्ट्रिक्शंस।
क्वेश्चन नंबर 72 डैश तथा डैश द्वारा एयर कनेक्टिविटी परीक्षण किया जाता है। एयर कनेक्टिविटी टेस्ट इज कंडक्टेड बाय एलपीएन गार्ड। सिंपल से है, एयर कनेक्टिविटी गार्ड और एलपी द्वारा जांच किया जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो सही आंसर है वो सी है। डैश प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कॉमटेक का शुरुआत किया गया। कॉमटेक वाज स्टार्टेड अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ आरडीएसओ। सही आंसर ये है। ये बहुत सारे एग्जामों में आ चुका है, आई थिंक एओ में आ चुका है और एसी वगैरह में भी आ चुका है। मैकेनिकल के कुछ एग्जामिनेशन में भी आए थे। तो ये क्वेश्चन सुपर हिट क्वेश्चन है, इसको एक बार अच्छी तरह से दिमाग में घुसा लीजिए, आपको आगे काम आएगा। 74 डीवी का विस्तार रूप क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीवी। तो रेलवे में डीवी जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है, पर यहाँ पे हम ऑपरेटिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्व, डंप वॉल्व, डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व एंड डिस्ट्रीब्यूटर व्हीकल। तो जो सही आंसर है वो है डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व, यानी कि वितरण वॉल्व सी, इसका सही आंसर है। लोकोमोटिव में अक्षर डब्लू का संकेत है, द लेटर डब्लू इंडिकेट इन लोकोमोटिव्स। तो आपको अगर पता है तो ठीक है, अदरवाइज इसको देख लेना उचित रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत सारे एग्जामों में देखा है और अलग अलग ऑप्शन के साथ देखा है। तो जो W है वो आपको ब्रॉड गेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, और मीटर गेज के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है Y, और नैरो गेज के लिए ये जेड, ठीक है। तो आपने देखा है तो ठीक है, अदरवाइज इनको भी एकदम जकड़ के पकड़ लीजिए माइंड में कि ब्रॉड गेज के लिए W होता है, मीटर गेज के लिए Y होता है और नैरो गेज के लिए जेड होता है, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है, ये बहुत सारी जगह आ चुके हैं, आते रहेंगे, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 76 इनमें से कौन कॉस्फेशियल दुर्घटना कॉन्सिक्वेंशियल दुर्घटना किसे कहा जाता है। विच ऑफ दीज इज ए कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसको आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। यहाँ पे जो ऑप्शन है, कोलिजन, बी एवर्ट कोलिजन एंड सी ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल्स एंड डी इज ए पासिंग सिग्नल एट ए डेंजर। तो सही आंसर इसका होगा बी एवर्ट कोलिजन, ठीक है, इसका 76 जो सही आंसर होगा, क्योंकि ये टॉपिक डिफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट से है। तो ये टॉपिक किसी भी ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की कोई भी एग्जाम होते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और पता होना चाहिए, डिफिनेशन तो कम से कम पता ही होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। चपटा टायर की पहचान है, हाउ फ्लैट टायर कैन बी इंडिकेटेड। ये है एक्सेल बॉक्स बिकमिंग रेड हॉट एंड बी इज हैमरिंग साउंड, सी व्हील स्किडिंग एंड डी इज प्रेशर ड्रॉप टू जीरो। तो जो सही आंसर है वह है हैमरिंग की आवाज, हैमरिंग साउंड, यानी कि बी, ठीक है। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 58 ऑफ पहलू का अर्थ डैश सिग्नल का है, ऑफ एस्पेक्ट मींस ऑफ ए सिग्नल। तो जो सही आंसर है वो है अदर देन मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव एस्पेक्ट, यानी कि अधिक रिस्ट्रिक्टिव पहलू से हटकर, इसका आंसर बी होगा।
क्वेश्चन नंबर 79, ACCW कोच का आकार क्या होता है? व्हाट इज द टाइप ऑफ ACCW कोचेस? इट इज ऑप्शन AC 3 टायर, बी AC 2 टायर, सी AC चेयर कार एंड डी नन ऑफ द एबोव। तो जो सही आंसर है AC 2 टायर होगा इसका आंसर मेरे हिसाब से, आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 79, BLCA वैगन है, BLCA वैगन है यानी BLCA वैगन इज ए टैंक वैगन, बी हॉपर वैगन, सी कवर्ड वैगन एंड डी कंटेनर वैगन। तो जो सही आंसर है BLCA वैगन्स आर कंटेनर वैगन, ठीक है, ये सही आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 81, ट्रेप पॉइंट में लूप लाइन से का सुरक्षा होता है? ट्रेप पॉइंट इन लूप लाइन्स प्रोटेक्ट्स। तो 81 का जो सही आंसर है, चलिए ऑप्शन देखते हैं, रनिंग लाइन्स, मेन लाइन्स, साइडिंग लाइन्स एंड नॉन ऑफ द अबव, मेन लाइन्स होता है, ठीक है, तो इसका सही आंसर बी मेन लाइन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, संपूर्ण ब्लॉक प्रणाली के साथ अन्य सिग्नल पहलू लाइन क्लियर देने के लिए प्रथम स्टॉप सिग्नल FSS से आगे पर्याप्त दूरी डैश से कम नहीं होगी। इन एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम विथ मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नलिंग द एडिक्वेट डिस्टेंस बियॉन्ड फर्स्ट स्टॉप सिग्नल FSS रिक्वायर्ड फॉर ग्रांटिंग लाइन क्लियर शैल नॉट बी लेस देन 180 meters, 270 meters, 400 meters and 600 meters. It's 180 meters. Right answer. Question number 83. यदि दूरस्थ सिग्नल एक कल पीली बत्ती प्रकाश करता है तो निकटस्थ सिग्नल बत्ती डैश प्रकाशित करती है। Distant signal show signal yellow light. Then home signal show सिग्नल्स, मतलब ऑप्शन देखते हैं, ए रेड, बी ग्रीन एंड सी सिंगल येलो, ठीक है, एंड डी इज डबल येलो। तो जो सही आंसर है वो है रेड। क्वेश्चन नंबर 84, सम पार फाटक से डैश दूरी पर WL बोर्ड को उपलब्ध करवाया जाता है। तो जो ऑप्शन है वो है 300 मीटर्स, 600 मीटर्स, 900 मीटर्स एंड 1200 मीटर्स। तो जो सही आंसर होगा वो होगा बी 600 मीटर्स। WL बोर्ड क्या होता है कि विसल फॉर लेवल क्रॉसिंग बिकॉज देर आर अनमैन क्रॉसिंग अहेड, तो विसल मारना पड़ता है ड्राइवर को, तो इसलिए वो बोर्ड 600 मीटर पर उपलब्ध कराए जाते हैं पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, जब फिक्स सिग्नल लाइन का उपयोग ना हो तो उसे डैश द्वारा विशिष्ट किया जाता है। व्हेन ए फिक्स सिग्नल लाइन इज नॉट ए यूज इट शैल बी डिस्टिंग्विश्ड बाई ए थ्री क्रॉस बार, बी टू क्रॉस बार एंड डी टू राउंड बार एंड डी टू स्क्वायर बार। तो जो सही आंसर है वो टू क्रॉस बार है, बी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, प्रीमियम रैक BPC यदि इनवैलिड यानी कि अवैध है तो फिर क्या होगा? यानी प्रीमियम रैक BPC सेल बी इनवैलिड इफ, तो जो सही आंसर होगा वो 24 घंटे से अधिक स्टेबल होता है यानी स्टेबल फॉर मोर देन 24 आवर्स, लोडिंग आफ्टर 12 डेज एंड थ्री इज फोर
4 से अधिक वैगनों को पुनः स्थापन यानी रिप्लेसमेंट ऑफ मोर देन 4 वैगन्स। तो ये जो बताए गए हैं बीपीसी वैगन के बारे में जब इनवैलिड होते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा ना ऑल ऑल होंगे। तो जो ऑल है वो है A 1 2 3 सही है, तो ये इसके अंदर है, डी के अंदर है ये, तो इसका आंसर सही आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 87, ब्लॉक ओवरलैप से बदल दिया गया है। ब्लॉक ओवरलैप इज रिकॉन फ्रॉम, तो 87 का जो ऑप्शंस हैं वो हैं एडवांस स्टार्टर से, फर्स्ट स्टॉप सिग्नल FSS से, और सी लास्ट स्टॉप सिग्नल से, एंड नन ऑफ द अबव। तो जो ये किया गया है ना FSS से किया गया, जिस पे एक अभी ऊपर में एक क्वेश्चन भी था जिसको हमने सॉल्व किया, ठीक है। तो ये सही आंसर होगा बी, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 88, जब ड्यूटी स्टेशन मास्टर अक्षर असक्षम हो और उचित समय के भीतर कोई राहत नहीं मिल सकती, तो प्रतीक्षित गाड़ी का गार्ड अपनी गाड़ी के लिए डैश तैयार करेगा जो सेक्शन स्थापित करने के लिए ब्लॉक सेक्शन गाड़ी क्लियर है। तो जो सही आंसर होगा वो होगा T 1408, ये ऑथोरिटी होगा, ठीक है। व्हेन द स्टेशन मास्टर ऑन ड्यूटी इज इनकैपेसिटेटेड एंड नो रिलीफ कैन बी हैड विथ इन ए रिस्पॉन्सिबल टाइम, द गार्ड ऑफ द वेटिंग ट्रेन सेल प्रिपेयर T 1408 फॉर द ट्रेन आफ्टर वेरीफाइंग दैट द ब्लॉक सेक्शन इज क्लियर ऑफ ट्रेन्स। ये सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, ए रिपीटिंग सिग्नल इज इंडिकेटेड बाय, पुनरावर्ती सिग्नल का संकेत है। तो जो सही आंसर होगा वो मार्कर ए आर होता है, यहाँ पे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, ओडीसी लोड विथ ग्रॉस क्लीयरेंस बिलो MM फ्रॉम OHE आर नॉट परमिटेड। ओडीसी लदान के साथ ग्रॉस क्लीयरेंस को इतना MM से OHE की अनुमति नहीं देगा, तो जो कितने है के लिए नहीं देगा, तो ये है वह मेरे ख्याल से 100 MM, ठीक है। तो जो सही आंसर है वो ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91, एलसी गेट विथ FSS फर्स्ट स्टॉप सिग्नल्स आर मैंड बाई। तो जो 91 है, तो ये देखिए FSS के साथ समपार पाठक द्वारा मानव रहित किया जाता है डैश, तो ये किया जाता है ट्रैफिक डिपार्टमेंट के द्वारा, क्योंकि आप एग्जाम भी तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के दे रहे हैं। ये इसका सही आंसर है, ठीक है। 92, डबल लाइन पर संचालन के कुल व्यवधान के दौरान जब दुर्घटना के कारण ब्लॉक सेक्शन में एक गाड़ी को रोक दिया जाता है, तो गार्ड पटाखे को लगा देगा, ठीक है। ड्यूरिंग टोटल इंटरप्शन ऑफ ए कम्युनिकेशन ऑन डबल लाइन व्हेन ए ट्रेन इज स्टॉप्ड इन ब्लॉक सेक्शन ऑन अकाउंट ऑफ एक्सीडेंट, द गार्ड सेल प्लेस द डिटोनेटर एट। तो वो कितनी दूरी पर लगाएगा, इसका मतलब यही है। तो ये पहला ये जो आंसर है वो होगा 250 पे, 500 पे एंड 510 मीटर पे। तो जो सही आंसर ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, सी श्रेणी स्टेशन में लाइन को तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि अंतिम गाड़ी पूरी तरह से होम सिग्नल से कम 400 मीटर की दूरी पर पूरी न हो जाए, ठीक है। तो
एट क्लास सी क्वेश्चन, लाइन क्लियर शेल नॉट बी गिवन अंटिल द होल ऑफ द लास्ट प्रोसीडिंग ट्रेन हैज पास्ड कंप्लीट एट लीस्ट 400 मीटर बियॉन्ड द होम सिग्नल एंड डैश। समझ लो आप, ऑप्शन ए कंटिन्यूइंग इट्स जर्नी, बी क्लियर्स एडवांस ब्लॉक सेक्शन ऑल्सो, एंड सी कंडीशन फॉर टेकिंग होम सिग्नल इज फुलफिल्ड, एंड डी नॉन ऑफ द एबव। तो जो सही है वो है कंटिन्यूइंग इट्स जर्नी, अपनी यात्रा जारी रखेगा ये, ठीक है, ये इसका आंसर ये होगा। 94, कौन, चलिए, यदि किसी कारण से गाड़ी को रोक दी जाती है तो स्टॉपर से अधिक होने पर लोकोमोटिव और संगठन ब्रेक तथा हाथ ब्रेक लगाए जाएंगे। इफ फॉर एनी रीजन द ट्रेन इज ब्रॉट टू ए स्टॉप द हैंड ब्रेक्स ऑफ द लोकोमोटिव एंड फॉर्मेशन ब्रेक शैल बी अप्लाइड इफ द स्टॉपेज इज मोर देन। तो कितने मिनट के लिए रोका जाएगा कि ये सब अप्लाई किए जाएंगे? तो जो ऑप्शन है वह है 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स एंड 15 मिनट्स। अगर ये 15 मिनट्स के लिए रोके जाते हैं तो ये सब अप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 95, रेल डॉली सेक्शन के डैश से अधिक स्टीपर ढलान में काम नहीं किया जाएगा। रेल डॉली शैल नॉट बी वर्क इन द इन ए सेक्शन हैविंग ग्रेडियंट स्लीपर देन। ए में है 1 in 150, 1 in 600, 1 in 400 एंड 1 in 200। तो जो सही आंसर है 1 in 200, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96, COCOA में गाड़ी समय को स्वचालित रूप से अपडेट करने के लिए REMMLOT/RTS उपकरण में दिए गए हैं, कहाँ दिए गए हैं, ठीक है, इसका मतलब यही है। तो ऑप्शन है ICMS, बी स्टेशंस, सी लोकोमोटिव्स एंड डी FOIS। तो जो सही आंसर होगा वो होगा लोकोमोटिव्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 डैश द्वारा क्रॉसिंग तथा प्रोसीडिंग्स का निर्धारण किया जाता है। क्रॉसिंग एंड प्रोसीडिंग्स इज डिसाइडेड बाय। तो जो सही ऑप्शन होना चाहिए देख लेते हैं, SM ऑन ड्यूटी, बी गार्ड, सी कंट्रोलर एंड डी लोको पायलट। तो जो कंट्रोलर होते हैं ना वही सारे चीज़ों को निर्धारित करते हैं। आप पढ़े हैं तो ठीक है, अदरवाइज ये एक चैप्टर ही है। तो ये कंट्रोल जो ऑफिस होते हैं वो जनरली DRM ऑफिस वगैरह में होते हैं, DRM ऑफिस में ही होते हैं, तो वहीं से वो संचालित होते हैं, वहीं से ट्रैकिंग होते हैं, बड़े बड़े स्क्रीन लगे होते हैं वहाँ पे, और वो सब इस्तेमाल किए जाते हैं कि भाई कौन सी ट्रेन कहाँ रुकेगी, कैसे चलेगी और कौन सी लाइन क्लियर है, उनको सारी चीज़ें ऑनलाइन ही दिखता है, ठीक है, ये अपडेट वगैरह कर दिए जाते हैं। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। सामान्य एवं सहायक नियमों के अनुरूप गाड़ियों के संचालन नियंत्रण के लिए उपयोगी सिग्नल है। सिग्नल यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग मूवमेंट ऑफ ट्रेन एज पर GS and SR, ठीक है, जनरल एंड सब्सिडरी रूल्स। तो ऑप्शन है फिक्स सिग्नल, बी है हैंड सिग्नल एंड सी इज डिटोनेटर एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो जो सही आंसर होगा ये सभी सहायक होते हैं, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा, उपरोक्त में से सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 है, संट सिग्नल का उपयोग यानी संट सिग्नल शैल बी यूज्ड फॉर, ठीक है,
ऑप्शन देखते हैं, ट्रेन ऑपरेशंस, बी सेंटिंग ऑपरेशंस, एंड सी बोथ ए एंड बी, एंड डी इज नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे बोल ही रहा है कि सर्ट सिग्नल सेल बी यूज फॉर सेंटिंग ऑपरेशंस, एकदम वन लाइन का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है कि 143 से गुना 67 का गुना मूल्य क्या होगा। तो ये आपको कैलकुलेशन करना होगा, आप इसको गुना करेंगे तो आपका जो आंसर आना चाहिए, देखो एक्चुअली क्या है, 7 3 21, तो पहले तो डी को ऑप्शन ऐसे निकल जाते हैं, और अब आप देखेंगे अगर ऑप्शन से निकाल लेंगे तो 14 से 7 को गुना करेंगे तो 14 7 98 होता है, तो वो नहीं हो पाएगा क्योंकि ज़्यादा हो जाता है। तो जो इसमें ऑप्शन निकल के आएगा वो बी आएगा एग्जैक्ट। मैं आपको सलाह दूंगा कि इसको कैलकुलेशन करें और उसके बाद ही इसका जवाब दें इस तरह के क्वेश्चनों को, क्योंकि ये सियोर शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, आपको एक नंबर तो पक्का दिला ही देंगे ये। ठीक है, तो थैंक यू, आपने इस पूरे वीडियो को देखा। आप चाहें तो railwayexam.in जो टेलीग्राम पे चैनल है वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, और वहीं पे इस क्वेश्चन को पोस्ट कर दिया गया है फिलहाल ब्लॉग के बजाय, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और टेलीग्राम पे हैं तो आप वहाँ जाएँ सॉल्व करें, फिर इसके बाद इस वीडियो को देखें, अपने आंसर का मिलान करें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपका धन्यवाद देता हूँ, और चलिए एक नए वीडियो में मिलते हैं। अगर आप इसी तरह की वीडियो देख आगे देखना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बजाएं, आप शेयर करें तो बेहतर होगा, लोगों के पास नॉलेज जाना चाहिए, हम यही चाहते हैं। थैंक यू सो मच।